नमस्कार दोस्तों, अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने, एक सेल से हमने स्टार्ट किया था। सेल किसको कहेंगे, है ना, सेल किसको कहेंगे, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और हमने फिर दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया था, एक स्रावी कोशिका थी, अस्रावी कोशिका थी। और उसके बाद में हम बात करें ग्रुप ऑफ जो सेल्स हैं उसको हम टिश्यू कह रहे थे, जिसको हम उत्तक के नाम से भी जानते हैं। और उत्तक क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, कोशिकाओं का समूह है, जिसको हम उत्तक कहते हैं। और उत्तक भी हमने दो प्रकार के पढ़े थे, एक ऐसा उत्तक जो कुछ पदार्थों का स्त्राव करे, है ना, पदार्थों का सिक्रेशन करे, तो उसको हम बोल रहे थे सिक्रेटरी टिश्यू, है ना, स्त्रावी उत्तक। और एक एक उत्तक ऐसा था जो कुछ भी सिक्रेशन नहीं कर रहा था, उसको हम स्त्रावी उत्तक के बारे में हम देख रहे थे। फिर हमने बात करी थी कि जो स्त्रावी जो उत्तक है ना, जो उत्तक है उसको हम क्या कह रहे थे, उसको हम ग्रंथि नाम दे रहे थे। और ग्रंथि उसमें हमने दो प्रकार की पढ़ी थी, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई नलिकाएं नहीं थी। और हम बात करें बाह्यस्रावी ग्रंथि की, उसमें नलिकाएं उपस्थित थी। और अंतःस्रावी की बात करें तो वो बहुत सारे जो स्रावी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां है, हम यहाँ पर आज अध्ययन करने वाले हैं। तो वहाँ से निकलने वाले हम हार्मोन के बारे में भी हम देखेंगे। और हम बात करें कि जो जो एंजाइम है, जो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे आने वाले टाइम में। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें, आपको ये डायग्राम देख ही गया होगा, तो हम बात करें ये जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग है, ये है आपका ब्रेन। क्या है, क्या बोलते हैं इसको, दिमाग, मस्तिष्क, है ना, ये ब्रेन है। और ब्रेन में भी आपका एक पार्ट होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं हाइपो थैलेमस। हाइपो थैलेमस मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के जो हाइपोथैलेमस जो भाग है उसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हार्मोन निकलता है वो है, ये जो हार्मोन है, यहाँ से जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन है आपका पीयूष। इसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, इस हाइपोथैलेमस जो भाग होता है ब्रेन का, है ना, इस हाइपोथैलेमस के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, और उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, क्लियर स्टूडेंट्स? फिर हम बात करें कि हाइपोथैलेमस के अंदर ये कौन सी पीयूष ग्रंथि पाई जा रही है, वो हाइपोथैलेमस से बाहर लेकिन ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर कौन सी, तो दो ग्रंथियां पाई जा रही है ब्रेन के अंदर, एक पीनियल है और एक पीयूष है। तो हम बात करें ये पीनियल, पीनियल कहाँ, हाइपोथैलेमस से बाहर लेकिन ब्रेन के अंदर, तो ये कौन सी ग्लैंड है, पीनियल, पीनियल ग्रंथि। क्लियर? हमने यहाँ पर मस्तिष्क में पाई जाने वाली दो ग्रंथियों के बारे में यहाँ पर देखा। मस्तिष्क में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक पिनियल है और एक पीयूष ग्रंथि है। क्लियर? तो हमने बात करी कि जो मस्तिष्क है उसके अंदर भी एक भाग होता है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस के अंदर पाई जाने वाली जो ग्रंथि है उसको हम कह रहे हैं पीयूष ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस से बाहर लेकिन मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि है ये पूछा जाए, तो कौन सी है, पिनियल ग्रंथि। फिर हम इसके बाद में आगे बढ़े तो यहाँ पर एक आपको ग्रंथि, यहाँ पर एक ग्रंथि एक आपको देखने को मिलेगी। और ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि को हम कहते हैं, इस ग्रंथि को हम कहते हैं थायरॉइड, थायरॉइड ग्लैंड ग्रंथि, थायरॉइड ग्रंथि। और हम बात करें कि ये जो थायरॉइड है, आपने हम बात करें कि साइड है ना, इस थायरॉइड की साइड में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं, यहाँ पर भी आपको ग्रंथि मिलेगी, है ना, ये ग्रंथि आपको इस तरीके से मिलने वाली है। क्लियर? ये इस तरीके से मतलब हम बात करें कि जो आपका जो थायराइड जो ग्रंथि है, इस थायराइड की ग्रंथि की साइड, और हम साइंस में साइड के लिए हम जो शब्द यूज लेते हैं, साइड है ना, जो साइड होता है इसके लिए हम विज्ञान के अंदर एक शब्द यूज लेते हैं, वो शब्द होता है पेरा, है ना। तो साइड में जो थायराइड ग्लैंड के साइड में जो ग्रंथियां पाई जाती है उसका हमने नाम क्या दे दिया, तो वो पेरा थायराइड, है ना। तो ये वाली जो ग्रंथि हो जाएगी इसका नाम क्या हो जाएगा, पेरा थायराइड।
हमने ये चीजें देख ली कि कितनी हमने ग्रंथियां देख ली, हमने देखी 4 ग्रंथियां अभी तक, है ना। कौन कौन सी देखी? पीयूष, पिनियल, थायराइड और पैराथायराइड हमने देख ली। फिर हम इसके बाद में हम यहाँ पर नीचे चले तो आपको 2 फेफड़े देखने को मिलेंगे, और ये आपका क्या है, ये हृदय, क्या है ये हृदय है। और हम बात करें इस हृदय, ये जो आपका ये वाला जो भाग है बीच वाला है ना सेंट्रिक, और यहाँ पर एक और ग्रंथि आपको पाई जाती है, एक ग्रंथि, और उस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। क्लियर स्टूडेंट? तो थाइमस ग्रंथि के बाद में अगर हम देखें, है ना, तो हम आपने देखा होगा कि ये जो फेफड़े हैं, है ना, जो हमारे फेफड़े होते हैं, और फेफड़े के नीचे वाला जो पोर्शन है ना, जो नीचे वाले भाग को अलग करता है और ऊपर वाले भाग को अलग करता है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम होता है डायाफ्राम, है ना, डायाफ्राम, है ना, डायाफ्राम। तो हम बात करें ये वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, इस ऊपर वाले पोर्शन के लिए हम नाम क्या देते हैं? एक तो डायाफ्राम हो गया, डायाफ्राम से जो ऊपर है ना, उसको हम बोलते हैं वक्ष, है ना। ये वाला जो भाग हो जाएगा ये, इसको हम बोलते हैं वक्ष, जिसको हम बोलते हैं थोरेक्स। और ये जो नीचे वाला जो भाग है, इससे नीचे वाला, है ना, किससे नीचे? डायाफ्राम से नीचे वाला जो भाग है उसको हम बोलेंगे उदर। कौन सा भाग बोलेंगे? उदर, उदर भाग। इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्डोमेन। क्या बोलते हैं? एब्डोमेन, एब्डोमेन। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें, और हम बात करें इसके बाद में, और इसके बाद में जो एक और आपको यहाँ पर ग्रंथि देखने को मिलेगी, और वो ग्रंथि है सबसे महत्वपूर्ण, वो है आपकी अग्नाशय ग्रंथि, है ना, अग्नाशय ग्रंथि। एक ग्रंथि आपको देखने को मिली, अग्नाशय ग्रंथि। और उसके बाद में हम बात करें अग्नाशय ग्रंथि के बाद में, ये जो किडनी है ना, ये जो किडनी का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस किडनी के स्ट्रक्चर के जो ऊपर जो ग्रंथि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, दोनों किडनियों के ऊपर, है ना। तो किडनी को हम साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रीनल। क्या बोलते हैं? रीनल, है ना। इस रीनल के बाद हम बात करें कि रीनल, है ना, किडनी के ऊपर, है ना, मतलब हमने यहाँ पर जो वर्ड्स है, रीनल का मतलब होता है किडनी से है। रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी, किडनी। क्लियर है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइंस की भाषा में रीनल को हम किडनी कहेंगे। और एपी का मतलब होता है अपर। एपी का मतलब क्या होता है? अपर, मतलब ये वाली जो ग्रंथि है इसको हम क्या नाम बोल रहे हैं? एपिरिनल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एपिरिनल। क्लियर? और इसी को हम एपिरिनल के नाम से जानते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल, एड यहां पर नाम लिख देता हूं, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर स्टूडेंट? तो ये दोनों ही चीजें एक ही है। और अगर हम बात करें, अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर क्या मिलेगी? ओवेरी, है ना। और हम बात करें मेल के अंदर क्या मिलेगी, तो मेल के अंदर मिलेंगे आपको टेस्टिस। क्या मिलेंगे? टेस्टिस। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देखी है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है। और हम बात करें, है ना, टेस्टिस, टेस्टिस किस में मिलेंगे? ओनली मेल, मेल के अंदर मिलेंगे। और ओवरी की बात करें तो ओनली किस में मिलेंगे? फीमेल के अंदर मिलेंगे, है ना। और एक और आप ग्लैंड नाम सुना होगा आपने, ये जो ग्लैंड आपको दिख रही है ये वाली, है ना, इसको हम बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। इसको हम कहते हैं लीवर, यकृत। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड है ना, जो लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो कौन सी है? तो लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो हो जाएगी आपकी लीवर। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने आज यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखा है,
कि एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में देखा कि कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। तो हमने देखा सबसे ऊपर हमने मस्तिष्क की बात करी, तो मस्तिष्क में दो भाग थे। एक भाग था आपका वो था हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से बाहर, हाइपोथैलेमस के अंदर जो ग्रंथि पाई जा रही थी वो पीयूष ग्रंथि थी, इसको क्या बोल रहे थे, पीयूष ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस के जो बाहर लेकिन ब्रेन के अंदर है ना जो ग्रंथि थी वो पीनियल ग्रंथि थी। और उसके बाद में हम नीचे आए, तो नीचे आए तो हमने थायराइड ग्रंथि के बारे में देखा, और थायराइड ग्रंथि के साइड में जो पाई जाने वाली जो ग्रंथि है, साइड का मतलब होता है पैरा, साइंस के लैंग्वेज में ध्यान रखना, इसीलिए उसका नाम भी क्या रख दिया, पैरा थायराइड ग्लैंड। फिर हम नीचे आते हैं और नीचे हमने देखा थाइमस ग्लैंड, क्लियर, ठीक है ना। थाइमस ग्लैंड के बाद में हमने देखा पेनक्रियाटिक ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड है ना, अग्नाशय ग्रंथि जिसको हम कहते हैं। फिर हमने देखा जो सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड है लीवर है ना, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा ओनली मेल में पाई जाने वाली जो ग्रंथि होती है वो होती है आपकी टेस्टिस, और हम बात करें ओनली फीमेल में पाई जाने वाली जो ग्रंथि है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको ओवरी कह रहे हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा है ये वाले जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी ग्रंथि। और जो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे अग्नाशय ग्रंथि से स्टार्ट करने वाले हैं, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो अग्नाशय ग्रंथि है। तो आपको सबसे पहले तो ग्रंथियां ध्यान होनी चाहिए, कौन सी ग्रंथियां है। सबसे पहले बात करें पीयूष ग्रंथि, पीयूष के बाद में पीनियल ग्रंथि, पीनियल के बाद में पीनियल के बाद में थायरॉइड ग्रंथि, थायरॉइड के बाद में पैराथायरॉइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड के बाद में थाइमस ग्रंथि, थाइमस के बाद में अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय के बाद में वृषण, वृषण के बाद में अंडाशय, अंडाशय के बाद में लीवर ग्रंथि है ना ये। और हम बात करें एक और एपिरिनल, और उसी को हम क्या बोल रहे थे, एड्रिनल है ना, एड्रिनल, ये कौन सी अधिवक्र ग्रंथि होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ थी, इसके बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। तो ये आपको उतारना हो तो आप उतार सकते हैं है ना, इसका डायग्राम आपको बहुत अच्छे से कॉपी के अंदर बनाना है, इसका नेमिंग बहुत अच्छे से करना है ना, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट्स आपने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होगी, और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे हम सब बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स की बात करेंगे, सबसे आपका हेडिंग डालेंगे कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, या फिर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, या फिर महत्वपूर्ण बिंदु। सम फैक्ट्स, सबसे पहला लिखेंगे लार्जेस्ट ग्लैंड, एग्जाम में पूछा जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी, लीवर। दूसरी बात करें लार्जेस्ट ग्लैंड के बाद में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी थायरॉइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायरॉइड ग्रंथि, थायरॉइड ग्रंथि, क्लियर स्टूडेंट। और हम बात करें थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है अगर सेक्स ग्लैंड की बात करें, किसकी बात करें, सेक्स ग्लैंड की है ना। सेक्स ग्लैंड में हम बात करें मेल में और बात करें फीमेल में, मेल में हो जाएंगे टेस्टिस, और हम बात करें फीमेल में तो ओवेरी, क्लियर। और फिर हम बात करें फोर्थ पॉइंट पे, और फोर्थ पे अगर हम देखें मिक्स्ड ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है पूछा जाए, मिश्रित ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, और मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, क्लियर स्टूडेंट। फिर हम बात करें पांच नंबर पर, और पांच नंबर पर है आपका स्मॉलेस्ट ग्लैंड अगर पूछे जाए, सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो वो हो जाएगी पीनियल, सबसे
छोटी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड के बारे में आपको ध्यान रखना है, कौन सी? पीनियल। कौन सी ग्लैंड है? पीनियल है स्टूडेंट। और बात करें और अगर हम बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड अगर पिनियल नहीं है ऑप्शन में, तो आपका दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, वो पीयूष ग्रंथि करके आएंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, क्लियर। और सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो पिनियल ग्रंथि है, अगर ऑप्शन में है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रंथि पूछी है और उसमें ऑप्शन में पिनियल ग्रंथि है और पीयूष भी है, तो आपको सही क्या करना है? पिनियल ग्रंथि करके आना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है और कंफ्यूजन वाली सवाल है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें मास्टर ग्लैंड के नाम से कौन सी ग्रंथि जानी जाती है ना? कौन सी? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड के बारे में पूछा जाए तो कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, जो हाइपोथैलेमस में पाई जा रही है ना, हाइपोथैलेमस में मिलती है। फिर हम बात करें कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, है ना? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? सातवां पॉइंट, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं हाइपो थैलेमस। स्टूडेंट क्या होता है कि इस पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्यों कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, कई टीचर्स होते हैं वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि है वो बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं उन पर निगरानी रखने का कार्य करते हैं, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन हम बात करें कि जो हाइपोथैलेमस है वो मास्टर ग्लैंड पर ध्यान रखता है, इसीलिए उसको क्या कह देते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्लियर। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो आपकी जो ये पीयूष ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। ये पीयूष ग्रंथि क्या जितनी भी ग्लैंड्स हैं उन सभी पे निगरानी रखती है या फिर कुछ ग्लैंड पर ही निगरानी रखती है? तो इन चीजों के बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, है ना? क्लियर स्टूडेंट। तो हम बात करें कि ये जो पीयूष ग्रंथि है ये सभी पर ये बहुत एग्जाम में पूछ पूछ रखा है कि पीयूष ग्रंथि किस पर निगरानी नहीं रखती है, तो आपको ध्यान रखना है किस पर निगरानी रखती है। तो ये चीजें आपको ध्यान, सबसे पहले तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, ये आपको मुंह पर होने चाहिए ये शब्द। सबसे पहले हम किसकी बात करें, लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें, तो लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी हो जाएगी? लीवर, क्लियर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन अंतःस्राव ग्रंथि की बात करें तो लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि। और बात करें सेक्स ग्लैंड, तो मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी। मिश्रित ग्रंथि की बात करें, मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है ये पूछ लिया जाए तो वो आपको अग्नाशय ग्रंथि करना है। और सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए, स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछा जाए, तो वो आपको पिनियल या फिर पीयूष, दोनों में ऑप्शन में अगर दोनों ही मिलती है तो पिनियल करना है, और अलग अलग ऑप्शन में मिलता है तो अलग अलग सही कर सकते हैं। और मास्टर ग्लैंड हम पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं क्योंकि ये जितने भी ग्लैंड्स हैं उन पर निगरानी रखा करती है। किस पे निगरानी रखेगी वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्योंकि ये जो ग्लैंड है ये पीयूष ग्रंथि पे ध्यान मतलब इस पे नियंत्रण का कार्य करती है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कह देते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, क्लियर स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर जो देखेंगे कि जो मास्टर ऑफ मास्टर जो पीयूष ग्रंथि है, तो इसको हम वहीं पर देख लेंगे कि किस पर निगरानी रखती है और किस पर निगरानी नहीं रखती है। और हम जो नेक्स्ट क्लास हम जो लेंगे उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, है ना? जो मिश्रित जो ग्रंथि है आपको कतई नहीं भूलना है कि मिश्रित ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मिश्रित जो ग्लैंड है वो बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है और एक एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट यहां पर समझ के चलनी है। स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।